पंजाब कांग्रेस किसान खेत मजदूर यूनियन और कांग्रेस पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति अपना रोष व्यक्त करने के लिए एक बेहद अनोखा और ऐसा तरीका सोचा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। किसान खेत मजदूर यूनियन 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से भरा प्याला भेंट करने जा रही है, जिसमें पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मजदूरों, किसानों व उन किसानों के परिजनों का खून भी शामिल होगा जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए सेल के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह जीरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में पंजाब में किसानों के हालात बद से बदतर हो चले हैं। यह उनकी विफल नीतियों का ही नतीजा है कि प्रतिदिन 4 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसान अपनी आजीविका के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वह सरकार उनकी सहायता करने के बजाय उनके लिए परिस्थितियों को और भी मुश्किल बना रही है। इंद्रजीत सिंह जीरी ने कहा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों व मजदूरों को और गरीबों का खून चूसने वाली सरकार है, इसीलिए हम उन्हें ये खून भेंट स्वरूप सौंपेंगे। ये जड़ा ब्लड है असी टोटल जिले 22 जिलों के एक एक दो दो परिवार जोड़े किसानों के सी जिन्हों की आत्महत्या जिन्हें की सी उन्होंने बच्चों का जिंद दो लड़कियां भी शामिल ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आपदा खून भी इन्दे विच पाया हिस्सा पाया। अज मेरे नाल मेरे 5 साथियों ने खून दे के और उस तो बाद मैं आपदा खून दे के ये जड़ी थैली नूं बंद कर दिता है तो ये जड़ा ब्रेकफास्ट से इनू बंद कर दिता तो ब्रेकफास्ट असी मोदी जी कराने जावे। बात यह कि साड़िया दो मांगे हैं, एक तो जो उन्होंने चोन मैनीफेस्टो में ली थी कि जब आएंगे हम स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट हमें लागू करेंगे, पर नहीं कि उसको लागू करके आन। दूसरी है कि जे करोड़ों रुपया बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ़ किया जा सकता है तो किसान ते मजदूर ते सिर ते जो कर्जा है 75,000 करोड़ रुपए का उन्हों कल तक माफ़ करके आन, नहीं तो असी आपका संघर्ष जय जवान ते जय किसान दे नाल इतों शुरू करांगे। कैमरा पर्सन बलविंदर आर्या के साथ कुलदीप कुमार की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।